नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। लॉकडाउन का माहौल है। 30 अप्रैल तक पहले से ही लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। रीवा जिले में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन था। आज एक बार फिर से लॉकडाउन को 3 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। लॉकडाउन अब 2 तारीख तक रीवा जिले में लागू रहेगा। इस दौरान और भी कई निर्णय लिए गए हैं जो मैं आपको जरूर बताऊंगा और आपको जानना भी चाहिए। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से, अगर पिछले 6 दिनों की बात की जाए तो रीवा शहर में या रीवा जिले की बात की जाए तो 300 के ऊपर आंकड़ा बना हुआ है। 2000 पेशेंट इन 6 दिनों में मिले हैं। माना जा सकता है जिस तरीके से पेशेंट मिले ये तो हो नहीं था। यहाँ अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी पालन करने के लिए जल्दी तैयार नहीं हो रहा है। प्रशासन अपनी ओर से पूरी ताकत लगा रहा है। लगातार लोगों को समझाइश दी जा रही है। समझाइश ना मानने वालों पर जुर्माना भी किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसका खामियाजा लॉकडाउन के बतौर एक बार फिर रीवा में सबको भोगना पड़ेगा। खासतौर से उनको जो घर पर रह रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, उनके लिए स्थिति काफ़ी विकराल होती चली जा रही है। जिस तरीके से ये शहर में लोग बेवजह टहल रहे हैं उसका एक झलक मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। आज रीवा की करहिया मंडी में जिस तरीके का नज़ारा था उसको आप जरूर देखिए और फिर खुद तय करिए, इस तरीके की भीड़ अगर लगेगी तो लॉकडाउन क्यों ना बढ़ेगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।